सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारा जो नया सेशन 2021-22 है, इसमें आज हमारी जो बीए फाइनल ईयर की जो बुक है पोल साइंस, इसमें हम IR इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसमें वो हम ये वाली बुक पढ़ रहे हैं जो हमारा वो सेकंड पेपर है, और इसमें हम चीन की जो विदेश नीति है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उस प्रीवियस वीडियो में हमने चीनी विदेश नीति की प्रमुख विशेषता थी आक्रामकता, उस आक्रामकता के बारे में पढ़ा था। आज हम चीन की जो विदेश नीति है वो वर्तमान समय में मतलब 1970 से ये बदलाव के मार्ग पर है, तो हम चीनी जो विदेश नीति है जिसकी प्रमुख विशेषता आक्रामकता थी, किस प्रकार से चीन ने अपनी विदेश नीति में क्या किया है, बदलाव किया है, कब के बाद, 1970 के बाद में। तो इस क्लास में हमने चीन की जो विदेश नीति है वो बदलाव के मार्ग पर इस बात की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसकी निकलने की पूरी संभावना है। चीन की विदेश नीति बदलाव के मार्ग पर 80 वर्षीय देंग शियाओपिंग, चीन में भी भारत की तरह राष्ट्रपति होता है, वहाँ पर जो चीन की संसद है वो एक सदनीय है, उसकी सदस्य संख्या हम बात कर चुके हैं, लगभग 3000 के लगभग होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो संसद है उसका जो पीपुल्स, वो चीन की जो संसद है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है उसका नाम, तो वो एक सदनीय है और वहाँ पर राष्ट्रपति होता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है, परंतु फरवरी 2018 में जो वर्तमान में राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उन्होंने इस प्रकार का आजीवन अपने को राष्ट्रपति क्या करवा लिया है, संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से अपने को आजीवन राष्ट्रपति चुनवा लिया है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो 1970 के बाद 80 वर्षीय देंग शियाओपिंग, चीन का राष्ट्रपति था देंग शियाओपिंग, देंग सियाओ पिंग। 1970 के बाद चीन की जो विदेश नीति है उसमें बदलाव आया, और बदलाव लाने वाला कौन था, चीन का राष्ट्रपति देंग शियाओपिंग, इसने चीन की राष्ट्र जो विदेश नीति है इसमें बदलाव किया। 80 वर्षीय देंग शियाओपिंग के राष्ट्रपति काल में चीन की राजनीति और विदेश नीति में निर्णायक व मूलभूत परिवर्तन हुए। 1970 के बाद चीनी साम्यवादी दल ने पहले माओ की बदनाम जो सांस्कृतिक क्रांति, वह बाद में धीरे धीरे मार्क्सवाद और लेनिनवाद से भी प्रस्थान करना प्रारंभ कर दिया। 1970 के बाद में चीनी साम्यवादी दल ने पहले जो माओ तसे तुंग थे, माओ थे, माओ की जो बदनाम जो सांस्कृतिकवाद था उसमें परिवर्तन किया, और यह शुरू कब से हुआ, 1970 से। राष्ट्रपति कौन थे, देंग शियाओपिंग। तो पहले वो साम्यवादी दल ने पहले माओ की बदनाम सांस्कृतिक क्रांति, वह बाद में धीरे धीरे मार्क्सवाद व लेनिनवाद से भी प्रस्थान करना प्रारंभ कर दिया। बाद में धीरे धीरे मार्क्सवाद व लेनिनवाद जो इनकी मूलभूत नीतियां थी, इनसे भी इन्होंने क्या करना, प्रस्थान करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। कब से, 1970 से। राष्ट्रपति कौन थे, देंग शियाओपिंग, इस बात का ध्यान रखना है। धीरे धीरे मूल अर्थव्यवस्था की नीतियों को क्रियान्वित करते हुए चीनी नेता अब खुले तौर पर यह भी कहते हैं कि मार्क्स की महानता का हमें आदर करना चाहिए, हम मार्क्स की महानता का आदर करते हैं, लेकिन मार्क्स व मार्क्सवाद के साथ धार्मिक पूज्यता का जो संबंध जोड़ना है वो गलत है। आज चीनी व्यापार में $8 अरब विदेशी पूंजी का विनियोग है, आज चीनी जो व्यापार है उसमें $8 अरब आज चीनी व्यापार में $8 अरब विदेशी पूंजी का विनियोग हुआ है, जबकि माओ का सिद्धांत था नए दुनिया से सहायता लेना, नए दुनिया के व्यापारियों को चीन में घुसने देना, जबकि माओ का जो सिद्धांत था नए दुनिया से सहायता लेना और नए दुनिया के व्यापारियों को चीन में घुसने देना, तो माओ की जो सांस्कृतिक क्रांति थी वो यही थी कि न तो किसी से क्या लेना, सहायता लेना, और न चीन में किसी व्यापारी को घुसने देना, तो इस प्रकार की नीति है। इसमें ये देंग शियाओपिंग इन्होंने क्या किया, परिवर्तन किया।
माओ की माओ का सिद्धांत था, न दुनिया से सहायता लेना, न दुनिया के व्यापारियों को चीन में घुसने देना। चीन ने बाजारोन्मुख आर्थिक सुधार लागू करने का निर्णय लिया। इसमें बहुराष्ट्रीय विदेशी निगमों और उनकी तकनीक को बड़े क्षेत्र में स्वीकार करना और बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था का विकास करना भी शामिल है। सैन्य बजट में कटौती करके आर्थिक आधार पर ध्यान केंद्रित करके चीन ने अपने स्रोतों को आर्थिक विकास पर केंद्रित किया। इससे आर्थिक विकास की रफ्तार इतनी तेज रही कि यदि इसी अनुमान में सैन्य बजट में वृद्धि हो तो एक ही पीढ़ी में चीन अब स्थायी शक्ति बन जाएगा। देंग द्वारा सहकारी कृषि को समाप्त करने, देंग है इन्होंने अपने राष्ट्रपति जो काल था इसमें सहकारी कृषि को क्या कर दिया, पहले वहाँ पर माओ के काल में सहकारी कृषि सबकी खेती है इसकी शुरुआत हुई थी सहकारी कृषि की, जिसको अपने राष्ट्रपतित्व काल में देंग शियाओपिंग ने क्या कर दिया, इस सहकारी कृषि को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया और कृषि को क्या कर दिया, निजी हाथों के लिए खोल दिया। देंग द्वारा सहकारी कृषि को समाप्त करने, निजी उद्यमों को स्वतंत्रता देने, कई वस्तुओं पर मूल्य नियंत्रण समाप्त करने तथा बाजार अर्थव्यवस्था के अन्य मापदंड लागू करने के कारण पिछले एक दशक में चीन की अर्थव्यवस्था का 10% वार्षिक की दर से विकास हुआ है। आधुनिक विज्ञान व तकनीकी का भारी आयात होने लगा। 1978 के बाद लगभग 33,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी विज्ञान व तकनीकी शिक्षा के लिए पश्चिमी देशों में भेजे गए। 1978 के बाद लगभग 33,000 से ज़्यादा विद्यार्थी है 1978 के बाद लगभग 33,000 से अधिक विद्यार्थी है विज्ञान और तकनीकी जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत विदेशी देशों में भेजे गए चीन में 4 दशकों के साम्यवादी शासन में ये सब पहली बार हो रहा है। चीन के जो 40 वर्ष का जो ये 4 दशक का जो ये साम्यवादी शासन है इसमें ये पहली बार हो रहा है। माओ त्से तुंग ने न कभी विदेश की यात्रा की थी, माओ त्से तुंग जो हमने इसकी सांस्कृतिक क्रांति माओ त्से तुंग, न तो हमको किसी से सहायता लेनी है और न हम किसी को चीन में न किसी व्यापारी को किसी को घुसने देना है, तो इसकी ऐसी नीति थी सांस्कृतिक क्रांति, न तो ये किसी देश से सहायता लेंगे और न किसी की सहायता करेंगे, तो इन्होंने किसी भी देश की माओ त्से तुंग ने क्या नहीं की थी, यात्रा नहीं की थी। माओ त्से तुंग ने न कभी विदेश यात्रा की तथा न ही ये विदेशी अतिथियों से मिलते थे। चाउ एन लाई ही सामान्यतः विदेशी अतिथियों का स्वागत करते थे, किंतु देंग इन्होंने अपनी जो विदेश नीति में बदलाव किया और ये देंग शियाओपिंग है वो विदेशों की यात्रा पर निकले और इन्होंने अपने देश में भी विदेशी जो अतिथि है उनका स्वागत किया। देंग स्वयं भी विदेश यात्रा करते रहे, प्रधानमंत्री व अन्य सरकारी अधिकारी भी खूब विदेशी यात्राएँ करते हैं। चीन ने एक और तो अमेरिका से दोस्ती कर रखी है तथा दूसरी ओर पूर्वी यूरोप के देशों की सघन यात्राएं की जा रही है। शक्ति व संपदा बढ़ाकर देंग पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों को सोवियत संघ के प्रभाव से अलग करने की कोशिश करते रहे हैं। देंग है ये अपनी शक्ति और संपदा, देंग शियाओपिंग अपने देश की शक्ति व संपदा बढ़ाकर पूर्वी यूरोप से जो सोवियत संघ है इसके प्रभाव को क्या करना चाहते थे, कम करना चाहते थे। इस प्रकार मतलब इन्होंने अपनी विदेश नीति में क्या किया, बदलाव किया। दूसरी ओर पूर्वी यूरोप के देशों की सघन यात्राएं की जा रही है। शक्ति व संपदा बढ़ाकर देंग शियाओपिंग पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों को सोवियत संघ के प्रभाव से अलग करने की कोशिश करते रहे हैं। अपने क्रांतिकारी जोश के विपरीत चीन ने अपने पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने की नीति अपनाई। अब अपना जो क्रांतिकारी चीन का जो पहले अड़ियल जो रवैया था, जो तनाव बढ़ाने वाली जो नीति थी उसमें उन्होंने परिवर्तन कर लिया और अब पड़ोसी देशों के साथ क्या, संबंध सुधारने की कोशिश चीन है वो करने लगा। पड़ोसी देश है उसके साथ हमारे संबंध हो मधुर कैसे हो, इस प्रकार से अपनी जो विदेश नीति है इसमें चीन ने क्या किया, बदलाव किया। अपने क्रांतिकारी जोश के विपरीत चीन ने अपने पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने की नीति अपनाई। एशियाई देश विशेषकर इंडोनेशिया
एशियाई देशों के साथ और उसमें विशेषकर इंडोनेशिया के साथ। चाइना ने इंडोनेशिया के साथ कूटनीतिक संबंध सुधारने के साथ चीन ने अपने पड़ोसी राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में दखल न देने की नीति अपनाई और साथ ही आर्थिक व राजनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करने पर बल दिया। भारत के साथ चीन का संवाद प्रारंभ हुआ तथा कश्मीर के प्रश्न पर भी चीन का विश्व के अन्य देशों की तरह यही कहना कि दोनों देशों को सीधे बातचीत करनी चाहिए। चीन पाकिस्तान को भारत के साथ संवाद आरंभ करने की सलाह देता रहा है। चीन पाकिस्तान को भारत के साथ संवाद जो है बातचीत है आरंभ करने की सलाह देता रहा है। करगिल मुद्दे पर भी चीन का समर्थन जुटाने गए, करगिल जो मुद्दा है इस पर चीन का समर्थन जुटाने के लिए पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ गए थे, चाइना की यात्रा की थी कि करगिल मुद्दे पर चीन है वो पाकिस्तान का साथ देगा, परंतु नवाज शरीफ इस सोच को लेकर चाइना गए थे। परंतु अब अपनी विदेश नीति में बदलाव के कारण, चीन अपने पड़ोसी देशों से मधुर संबंध रखने के कारण, संबंधों में सुधार करने के कारण नवाज शरीफ को वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि चीन ने उनका क्या नहीं किया, समर्थन नहीं किया। चीन और ताइवान के संबंध में भी परिवर्तन आ रहा है। दोनों देशों ने पहली बार 28 से 29 अप्रैल 1993 को सिंगापुर में, दोनों देश चीन और ताइवान है, इन दोनों में भी क्या रहा है, संबंधों में सुधार हो रहा है। दोनों देश आपस में क्या कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, संवाद स्थापित करके है वो एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। दोनों देशों ने पहली बार 28 से 29 अप्रैल 1993 की घटना है, 28 से 29 अप्रैल 1993 में बैठक कहाँ हुई थी, सिंगापुर। बैठक कहाँ हुई थी, सिंगापुर में हुई थी। तो 28 से 29 अप्रैल 1993 को सिंगापुर में हुई उच्च स्तरीय वार्ता की समाप्ति के बाद चार ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते खोई हुई डाक की वापसी, सरकारी दस्तावेजों की जांच और दोनों पक्षों में नियमित औपचारिक वार्ता आरंभ करने से संबंधित है। इससे दोनों देशों के संबंधों में एक नए अध्याय का शुभारंभ हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जून 2003 में भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, ये 1998 से लेकर 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे, जो 2003 में चीन की विदेशी यात्रा पर गए थे। तो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जून 2003 में चीन यात्रा के दौरान कहा कि चीनी नेतृत्व की सोच में आए परिवर्तन के कारण ही सीमा विवाद सुलझाने और आपसी व्यापार बढ़ाने के बारे में चीन के साथ सहमति बन सकी है तथा संयुक्त घोषणा पत्र भी क्या हो पाया है, तैयार हो पाया है। भारत ने कहा कि चीन ने जो अपनी विदेश नीति है इसमें यह बदलाव किया है, जो इसकी पहली चीन की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता आक्रामकता थी, और 1970 के बाद में इन्होंने अपने, जब से ये आए राष्ट्रपति डेंग शियाओपिंग, उसके बाद में अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करने के कारण भारत है वो अपनी सीमा, भारत और चीन की जो सीमा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। तो चीन के दोनों ही आपस में जो अपने विवाद है, डिस्प्यूट है, उनका क्या करेंगे, संवाद के माध्यम से उनका हल करेंगे। तो इस प्रकार से आज की हमारी जो ये कालांश है, ये कालांश थी चीनी विदेश नीति बदलाव के मार्ग पर, और परिवेश हमारी जो कालांश थी वो चीनी जो विदेश नीति है इसकी प्रमुख विशेषता आक्रामकता थी। तो अब हमारे को समझ में आया कि किस प्रकार से चीन ने अपनी विदेश नीति में क्या किया है, बदलाव किया है, और बदलाव की नीति पूछ ली किस राष्ट्रपति के काल में, तो कौन थे, डेंग शियाओपिंग। नहीं तो हमने माओ त्से तुंग को पढ़ा था, तो इनकी नीति तो क्या थी, सांस्कृतिक क्रांति। नहीं तो चीन किसी से सहयोग करेगा न किसी से सहयोग लेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।